क्या आप जानते हैं मिस्र के पिरामिडों का वास्तविक रंग सफ़ेद था, लेकिन समय के साथ उनका रंग मटमैला हो गया। और क्या आप जानते हैं दुनिया में घूमने के लिए पसंद किए जाने वाले शहरों में पेरिस को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस वीडियो में आप ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानेंगे, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिए। नंबर वन, आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा बर्गर है। यहाँ एक बर्गर के लिए आपको 300 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा, जबकि यहाँ एक लीटर पेट्रोल 24 रुपये में मिल जाता है। नंबर टू, भारत में गर्मियों के मौसम में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में अब तक सबसे ज़्यादा तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नंबर थ्री, स्पेन में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम ला टोमेटीना है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लोग इसमें एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। नंबर फोर, एफिल टावर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। यहां हर साल करीब 70 लाख लोग घूमने आते हैं। एफिल टावर इतना ऊंचा है कि ऊपर तक सीढ़ियों से चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर तक चढ़ने के लिए 1665 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगी है। नंबर फाइव, अमेरिका के झंडे में अभी कुल 50 सितारे हैं। 1912 से 1969 तक सितारों की संख्या 13 थी, और कुछ सालों बाद 13 से बढ़कर 48 हो गई। अभी कुल 50 सितारे हैं जो अमेरिका के राज्यों को अंकित करते हैं, और अभी अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, इसलिए झंडे में भी 50 सितारे हैं। नंबर सिक्स, सबसे पहले कैमरा 1894 में बना था, और इससे फ़ोटो खिंचवाने के लिए इसके सामने 8 घंटे तक बैठना पड़ता था। नंबर सेवन, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नंबर एट, LPG गैस कनेक्शन के साथ आपको 50 लाख रुपये तक का बीमा अपने आप मिलता है। यदि आपके गैस सिलेंडर में कोई हादसा होता है तो आपको 50 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा। नंबर 9, आजकल लोग इंटरनेट के पीछे कितने दीवाने हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हमारा भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। नंबर 10, क्या आपने सोचा ट्रांसपेरेंट कवर कुछ दिनों में पीला क्यों पड़ जाता है? हम जब नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तब हमें फ़ोन के साथ एक ट्रांसपेरेंट कवर भी मिलता है। जब ये कवर नया होता है तब बहुत सुंदर और बहुत चमकदार दिखता है, पर कुछ दिन बाद ये गंदा और पीला हो जाता है। हमारे फ़ोन का बैक कवर जब भी सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तो वह रेडिएशन को अपने अंदर सोख लेता है। और आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट के सामान पर धूप पड़ती है तो वह पीला पड़ने लगता है। हमारे फ़ोन के कवर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए वह पीला पड़ने लगता है। और हम जब भी घर के बाहर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तब उस पर सीधा धूप पड़ता है, जिससे फ़ोन गर्म हो जाता है। या फिर हम गेम खेलते हैं या कोई हैवी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तब भी फ़ोन गर्म हो जाता है। और ये सारी गर्मी हमारे फ़ोन के कवर के कारण बाहर नहीं आ पाती, जिससे सारी गर्मी को हमारा कवर सोख लेता है। और सारी गर्मी फ़ोन के कवर में ही जमा होने के कारण कवर पीला पड़ जाता है।